वेलकम वंस अगेन, इग्नोर माई हेयर गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इग्नोर माई हेयर बिकॉज ये डेली व्लॉग है एंड आई कैन नॉट मेंटेन माई सेल्फ एवरी टाइम कि एकदम ऐसे करें हाई गाइज वेलकम, अभी ये नहीं कर सकती मैं, वैसा मैं हूँ नहीं जैसा वो दिखाना पड़ेगा, ऐसा ही है कंडीशन अभी। चश्मा भी लगाए खोल देती हूँ यार अभी थोड़ी टाइम के लिए। सो मैं वीडियो देख रही थी अपना ही बिकॉज कल मैंने बोला आप लोग को कि मेरा कल एयरपोर्ट स्टैंड बाय है, इसीलिए टाइम नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि 2:30 में उठना पड़ेगा, 3:30 में मेरा कैब आएगा और 4:30 मेरा रिपोर्टिंग है। सो ऑब्वियसली फ्लाइट नहीं होगा तो थोड़ी टाइम के लिए मैं सो जाऊँगी, क्योंकि नींद आएगा ना सुबह सुबह, सो जाऊँगी। अगर फ्लाइट मिल जाएगा तो ऑब्वियसली फ्लाइट के लिए जाना पड़ेगा, पर मैं सो भी लूँगी अभी एटलीस्ट 7 आवर्स तो मैं सोऊँगी फ्लाइट से एयरपोर्ट स्टैंड में करने से पहले। और वहाँ पर भी क्या ही है, सुबह सुबह ना क्या करो, इंस्टाग्राम में भी कोई ऑनलाइन नहीं होगा, कोई नहीं रहेगा, तो इसीलिए थोड़ी टाइम के लिए 7 बजे तक सो जाऊँगी। और वहाँ का प्लान अभी मैं कर रही हूँ कि मैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट खाने जाऊँगी, करूँगी, और इनकेस मुझे 11 बजे तक फ्लाइट नहीं मिला तो मैं जाऊँगी दूसरा फ्लाइट पकड़ के। मेरा फ्लाइट है डिपार्चर टाइम 11:40, तो आजकल तो कुछ नहीं करना पड़ता है ना, चेक इन वेकिन पहले ही कर सकते हो आप और सीधा फ्लाइट के जाना पड़ता है, तो 40 मिनट्स में तो बेस से वहाँ 5 मिनट लगता है हार्डली। सो मैं पहुँच ही जाऊँगी 40 मिनट्स में, अगर पुल आउट नहीं होगी फ्लाइट के लिए, कुछ और फ्लाइट नहीं मिला तो मैं जल्दी से फ्लाइट में ले चली जाऊँगी। एंड अभी तो वही है, मैंने वो भी खाया सुबह सुबह, ये खाया सुबह सुबह नहीं, खाना खा के मतलब ये भी खा लिया, बिकॉज कुछ मीठा खाने का इतना मन कर रहा था आजकल, पता नहीं मीठा में क्या रखा है, ऐसा मीठा ही खाने का मन करता है आजकल बहुत। और इसे टाइम नहीं रहेगा बोल के मैं एडिट कर रही थी वीडियो भी, सो दैट यू नो कल के लिए स्केड्यूल कर पाऊँ। कॉपीराइट लग जाएगा गाइस, कॉपीराइट लग जाएगा, गाना नहीं लगाना है मेरे वीडियोज में। अभी मैं उठी, एडिट वगैरह सब कर लिया नहीं, मैं एक वीडियो एडिट कर लिया, अभी कपड़ा सुखाया था, एक बेडशीट कपड़ा सुखाया था तो उठा के आई हूँ अभी, अच्छा सा काम लग रहा है बाहर। तो इसके बाद मुझे नहाना भी पड़ेगा अच्छे से, बाल भी धोना पड़ेगा, आज ही धो लेती हूँ, आज धोने का टाइम नहीं, कल है धोने का टाइम, पर आज ही धो लेती हूँ, व्हाट इफ मैं घर जाऊँ तो ना, तो इसीलिए आज ही धो लूँगी बाल वाल, ये कपड़ा वपड़ा मिला के और अच्छे से। मैं तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ब्रेकअप सॉन्ग, फेवरेट ऑल टाइम, आई थिंक जब से ये गाना निकला है ना, रिलीज हुआ है मतलब निकला है, वाह रे वाह, कुछ भी बोल देती है खुशबू, तू भी कुछ भी कमाल ही कर देती है कभी कभी। सो तब से मेरा ये फेवरेट है गाना, जब भी मैं गाना लगाती एक बार तो ये बजाती हूँ, आई प्ले द सॉन्ग एवरी टाइम जब भी मैं मेकअप कर रही हूँ, बिकॉज एनर्जेटिक वाला भी है ना, तो मुझे लाइफ में थोड़ा एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा एनर्जी भी चाहिए मतलब ऐसा ऐसा करके, तो इसलिए मैं एनर्जेटिक वाला सॉन्ग सुनती हूँ, और सुनती भी हूँ कोई कोई सैड सॉन्ग तो जो एकदम पसंद होता है ना मुझे पहले से वो वाला, वरना तो एकदम एनर्जी चाहिए लड़की को जिंदगी। हाय गाइस वंस अगेन, सो मैंने सब कुछ कर लिया है, बाल वाल धो लिया है, अब मैं कर रही हूँ टी टाइम, थोड़ा सा टी क्या बोलूँ, आफ्टरनून भी बीतने वाला है, पर थोड़ा सा कर लेती हूँ स्किन केयर और उसके बाद मैं अच्छे से करूँगी अपना कपड़ा मिलाने का काम। कपड़ा बहुत सारा मिलाना है, सनस्क्रीन, फॉर्मला, शील्ड, कितना जो पूछते हैं मुझे आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करती हो डे टाइम स्किन केयर, सो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ ला शील्ड से, मेरा ऑयली है स्किन और ये फर्स्ट टाइम यूज़ करी, इतना चिपचिप तो नहीं करता है, पर आई थिंक सनस्क्रीन थोड़ा तो चिपचिप कर ही देता है, सब सनस्क्रीन एक ही होता है, पर ये थोड़ा कम करता है, पहले वाला तो आई वॉज यूजिंग सनबैन, वो थोड़ा चिपचिप होता है पर अच्छा है वो, तो मुझे ये ट्राई करना था इस बार, सो आई एम ट्राइंग दिस वन। हाँ 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 ला ला लिप बम कहाँ पर है, और लिप बम है यहाँ पर, अब मैं पैक कर रही हूँ सामान, तो फर्स्ट सामान मुझे जो इम्पोर्टेंट दे लेना वो ये बिस्किट,
ये लास्ट टाइम ना मैंने मम्मी के लिए मंगाया था बिकॉज उनको ये पसंद है, ये वाला बिस्किट ही खाती है। मैंने मंगाया था वहाँ पर जब मैं घर गई थी, पर डिलीवरी यहाँ पर हो गया, तो उसके बाद तो मैं घर ही नहीं गई हूँ, तो ये मैं खाती भी नहीं हूँ। पहले पसंद था, अभी पसंद भी नहीं है, तो इसीलिए वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ले जाऊँगी फर्स्ट चीज़, और यहाँ पर मैसूर पाक का बनाना चिप्स है वो भी डालूँगी, और सामान कपड़े वगैरह डालूँगी, मेकअप वगैरह डालूँगी। फाइनली आई एम बैक। मुझे लगा मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि पैकिंग करते समय, पर बाप रे कपड़ा इधर का उधर, उधर का इधर का उधर हो गया, एकदम मैला हो गया। और मैं क्या कर रही थी, वो बैग को ना नीचे रख के मिला रही थी, और सो सॉरी गाइस मैं थोड़ा दिक्कत से बात कर रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर घाव हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा है। सो ये लग रहा है जब बोल रही हूँ ना, तो ऐसे बात करूँगी तो अच्छा रहेगा, नहीं लग रहा है अभी, ऐसे छोड़ रही तो थोड़ा लग रहा है। वो माउथ अल्सर हो गया है, वहाँ पर काट लिया या पता नहीं क्या खा रही थी लास्ट टाइम, लग गया। सो क्या बोल रही थी, हाँ तो मैं बेड में नीचे निकाल के सब पैकिंग कर रही थी, कुछ कौन सा कपड़ा लेना है, क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ वहाँ पर छोड़ना है, लाइक बिस्किट वगैरह, ओट्स वगैरह, ये सब कर रही थी। पर क्या हुआ, बीच में अक्का गई साफ़ करने के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे सब उठाना पड़ा, बेड में रख दिया। फिर तो बाप रे, कुर्ता वुर्ता मेकअप प्रोडक्ट प्लास्टिक यूनिफॉर्म एक ही जगह में, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ अब बोल के। तो धीरे 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 किया, और फिर बैग दो ही है ना, और मुझे बहुत सारा सामान घर में छोड़ना है, तो फिट ही नहीं हो रहा था, फिट ही नहीं हो रहा था, कैसे कैसे करके मिला लिया था, फिर निकाल लिया, फिर मिला के अभी फिटिंग एकदम से आ गया। अब कुछ भी सामान एक्स्ट्रा नहीं लग सकती हूँ, इतना सब कर चुकी हूँ। पर पता नहीं कल मुझे जाने को मिलेगा या नहीं, घर नहीं भी मिलेगा तो ठीक है, कोई नहीं, आऊँगी यही सब सारा सामान, दूसरा बैग जो होता है ना, नेक्स्ट डे भी जाऊँगी तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, यहाँ से हैदराबाद होके जाना पड़ेगा, हैदराबाद से बागडोगरा। देख लिया कि मैं खाने वाली हूँ अब रामेन। इतना खाने का मन कर रहा था, मैं तो सोने वाली थी। ओके जस्ट सेकंड, मैं तो ना सोने वाली थी, फिर मुझे ना कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, मैंने सोचा रामेन तो है मेरे पास, रामेन ही खा लेती हूँ बोल के जल्दी से बनाया। क्यों इतना अच्छे हो, क्यों इतना अच्छे हो, इतना तीखा हो फिर भी बहुत अच्छे लगते हो। और मुँह में इतना पानी आ रहा है ना, क्योंकि मैंने ना इंस्टाग्राम का फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी, तो वो थोड़ा टाइम हो गया, बहुत मुँह में पानी आ रहा है। अरे इतना स्लिपरी क्यों हो रहा है आजकल, लास्ट टाइम ही रामेन खाए थे बहुत स्लिपरी लग रहा था। वाह ओ शिट, मैं भूल गई मेरा मुँह में घाव है। दिक्कत होगा थोड़ा खाने में, काम करती हूँ एक ही बार में ले लेती हूँ। मुंह से मुंह में डालने के बाद निकालना मुझे पसंद नहीं, पर आज निकालना ही पड़ रहा है, बिकॉज ना एक ही बार में नहीं ले रहा है, सिर्फ यहाँ पर घाव दर्द कर रहा है, भूल ही गई मैं एकदम से। ले नहीं पा रही हूँ गाइस, मंच खाया अभी, सुबह मैंने शिट फाइव स्टार भी खाया था, चॉकोपाई भी खा रही हूँ, माय गॉड सो मच फन जल्दी आज, कोई नहीं आज लास्ट, करना जल्दी। तीखा लास्ट में तीखा हुआ। और प्रॉब्लम विथ रामेन इज यू नो, खाते जाओगे तो इतना तीखा नहीं होता है,
एक बार बंद कर लोगे ना यू आर डेड। जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। आई एम वॉचिंग तामंग सिब्लिंग्स ग्लास लगा के देखती हूँ। आई सी यू गाइस। बहुत बोल रही हूँ मैं, आप भी क्या खाती रहती बार बार ना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं तो अभी सोच में ही हूँ कि क्या क्या होगा, पता नहीं घर जाने को मिलेगा या मुझे फ्लाइट मिलेगा, कल ही देखते हैं। और आप देखना चाहते हो तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा कल का, कि क्या होता है, मैं घर जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आप लोग जो भी मुझे प्यार दे, ऑल लव एंड सपोर्ट यू हैव बीन गिविंग मी, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल। ऐसे ही वीडियोज़ को लाइक करते रहे, सपोर्ट करते रहे, कॉमेंट करते रहे, जो भी फीडबैक देने आए देते रहे। और मेरा वीडियो ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल भी टिंग 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 ज़रूर करना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। मुँह में एक तो पूरा घाव हो गया है, बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मिलती हूँ आप लोग से। बाय, लॉट्स ऑफ लव, सी यू गाइस, टाटा।